हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ देसी चिकन चरपा की रेसिपी। तो मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यहाँ पे मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, मीडियम पीसेस में कट करके एक चम्मच विनेगर डाले, 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें। 500 ग्राम चावल को मैंने 7 से 8 घंटे भिगो कर रख दिया था। अब इसे ग्राइंडर में डालकर हाफ गिलास पानी डाल देंगे और इसे ग्राइंड कर देंगे। चावल का बैटर बनकर रेडी हो चुका है, इसे एक बॉयल में ट्रांसफ़र कर ले। चावल के बैटर को दानेदार रखना है, ज़्यादा मोटा ज़्यादा पतला भी नहीं। एक चम्मच सॉल्ट ऐड करें और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करें। विनेगर में मैंने 15 मिनट छोड़ दिया था, 15 मिनट हो चुका है। चिकन को अच्छी तरीके से वॉश कर ले। 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक की पेस्ट, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर, 1/2 टेबल स्पून चिकन मसाला पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 बारीक कटी हुई प्याज, थोड़े से धनिया पत्ते, 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधी नींबू को अच्छे से स्क्वीज़ कर ले। 2 टेबल स्पून तेल ऐड करें, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। 1 टेबल स्पून नमक डालें, इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके 15 मिनट के लिए छोड़ दें। अब यह हमारा चावल का बैटर है, 15 मिनट के बाद चिकन के मिक्सचर को इसमें डाल दें। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, तवे चढ़ाएंगे। आप चाहे तो पैन में भी बना सकते हैं। गर्म तवे में 1 टेबल स्पून तेल डालें। बैटर को इस तरीके से हाथ में ले लें, इसे अच्छी तरीके से चारों तरफ स्प्रेड कर दें। 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम में ढक दें। 3 मिनट हो चुका है, 1 टेबल स्पून इसमें तेल डालें और इसे दूसरी साइड टर्न कर लें। स्पून तेल डालें, अच्छे से प्रेस करें। 5 मिनट तक इसे लो फ्लेम में पकाएं। अब इसे हाई फ्लेम में करके दोनों साइड टर्न करके अच्छी तरीके से पका लें। ये दोनों साइड अच्छी तरीके से पक चुका है, अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये सर्विंग के लिए रेडी हो चुका है। आप इसे सॉस या किसी भी होममेड चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।